दोस्तों जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं ये है एलएनटी का 752 डबल ड्रम रोलर। और दोस्तों इसके इंजन बैक कंप्रेसर था जो कि हमने इंजन को बाहर निकाल लिया है और उसके बाद दोस्तों हमने इसका हाफ इंजन का काम करके कंप्लीट कर लिया है। लेकिन दोस्तों इसमें एक प्रॉब्लम आ रही है। ये प्रॉब्लम किसका है एक छोटा सा वीडियो क्लिप के माध्यम से मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा दो नंबर हेड है उसका एग्जस्ट से वाइट स्मोक आ रहा था। हमने दोस्तों थोड़ा सा नोजल को लूज किया और लूज करने के बाद में धुआं बंद। तो दोस्तों ये वाइट स्मोक को हम इसी वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं और इसका क्या प्रॉब्लम निकलता है वो सारा डिटेल्स में आपको बताने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि खरकाटे और आप देख रहे हैं मैकेनिक ज्ञान चैनल। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमने क्या किया, हमने इंजेक्टर ओपन किया मतलब नोजल ओपन किया और नोजल को हमने सर्विस सेंटर पर पहुंचाया। सर्विस करने के बाद दोस्तों हमने फिर से लगाया लेकिन सेम प्रॉब्लम था, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ था। उसके बाद दोस्तों हमने सारे हेड को ओपन किया और ओपन करने के बाद में दोस्तों हमने रिपेयर के लिए पहुंचाया। लेकिन दोस्तों जब रिपेयर होके आया और उसके बाद में हमने फिटिंग किया और उसके बाद में हमने इंजन को स्टार्ट करके देखा तो सारे के सारे हेडों में व्हाइट स्मोक मतलब सफ़ेद धुआं आना स्टार्ट हो गया। सो दोस्तों फिर हमने क्या किया, सारे हेड को दोबारा खोला और उसके बाद दोस्तों हमने चारों नया हेड डाल दिया। हेड डालने के बाद में सारा कुछ कंप्लीट कर लिया। उसके बाद दोस्तों हमने स्टार्ट करके देखा तो इंजन स्टार्ट हो गया। और चलिए हम थोड़ा सा आपको क्लिप में दिखाते हैं कि अब धुआं आ रहा है या नहीं आ रहा है, आप खुद देख लीजिए। तो दोस्तों देखा आप लोगों ने प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। और दोस्तों मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाला था इसी का तो काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट किया था कि इसमें इंजेक्टर का प्रॉब्लम हो सकता है, हेड का प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन दोस्तों हेड का ही प्रॉब्लम निकला, इंजेक्टर से एकदम सही निकला। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना। हम भी नेक्स्ट वीडियो के साथ में मिलते हैं। जय हिंद।